વાત કરીએ તો સાપુતારાની બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકમાં આજે ફરજ પરના કર્મચારીઓએ કાળી પટ્ટી અને કાળો માસ્ક પહેરી મેનેજમેન્ટ સામે વિરોધ દર્શાવ્યો। समग्र गुजरात में आवेली बरोड़ा गुजरात ग्रामीण बैंक ने 400 वधु शाखाओ अने तेमा काम करता 1800 जेटला कर्मचारी बैंकिंग सेवा शुरू राखी ते मैनेजमेंट सामे विरोध दर्शाव्यो छे। त्यारे डांग जिल्लानी सापुतारा आवास कपातर अने सुबीर ब्रांच में पण कर्मचारी काळी पट्टी अने काळो मास्क पहेरी मैनेजमेंट सामे 3 दिवस माटे विरोध दर्शाव्यो छे। विरोध दर्शावता कर्मचारीओनी मांगणीओ ए हती કે કોરોના મહામારી લોકડાઉન સમયમાં પણ બેંકના કર્મચારીઓ સતત કાર્ય સેવા શરૂ રખાઈ હતી, જ્યારે અન્ય બેંકોમાં કર્મચારીઓના કોરોના લોકડાઉનના સમયમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને તમામ લાભ અપાય છે। તેવામાં બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકના મેનેજમેન્ટ દ્વારા આ કર્મચારીઓને જરૂર અવગણના થઈ હોય જેથી અન્યાય માટે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે કર્મચારીઓ વિરોધ દર્શાવ્યો છે। હેમંત હડલ, જેડેશ્રી, સાપુતારા। तीन बैंक थे, अब दो बैंकों को मर्ज करके एक बैंक कर दिया गया है, देना बैंक और बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। इस समय हमारे पास लगभग 500 ब्रांचेज हैं और लगभग 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के समय जब सरकार अपनी सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहे हैं बैंकर्स हैं। नाबार्ड ने समय समय पर गाइडलाइन जारी किया ताकि वो बैंकर्स को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने किसी भी नियम का पालन नहीं किया जो बैंकों को सुविधाएं देनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन से पहले कई ऐसे लोग थे जो छुट्टी पे गए हुए थे और लॉकडाउन की वजह से वो ब्रांच तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम, इस पॉलिसी को भी हमारा बैंक पालन नहीं करवा रहा है। ठीक है, ऐसे समय में उनकी पूरी की पूरी सैलरी काट दी जा रही है, उनको स्पेशल लीव नहीं दी जा रहा है। ठीक है, न ही कर्मचारियों को हमारे जो है इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि आप इंश्योरेंस का बेनिफिट दीजिए, नाबार्ड कह रहा है, और जो हमारा स्पॉन्सर्ड बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने खुद दिया है। ठीक है, ऐसे समय में जब वो डेली हम अपने बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा 200 रुपये पर डे दे रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, हमारा बैंक केवल 620 रुपये अभी कुछ दिन पहले जब एजुटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब देना शुरू किया। ऐसे समय में एक और डिमांड है कि हर 6 दिन पे एक दिन की सैलरी दी जाए, जो कि नाबार्ड ने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया, सभी बैंक इसको फॉलो कर रहे हैं, मेरा बैंक इसको फॉलो नहीं कर रहा सर। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे BGGB OC जो ऑफिसर्स कांग्रेस करके हैं और BGGB EC जो एम्प्लॉय कांग्रेस करके, दोनों लोग मिलकर इसका एजिटेशन कर रहे हैं और ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, आज, कल और परसों।